तो दोस्तों एलआईजी हाउसिंग फाइनेंस ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली क्रोस में दिया गया है। पिछले क्वार्टर में कंपनी 6,765 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 5,890 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो बढ़ गए 6,804 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 16% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिला, क्योंकि आधे परसेंट के आसपास की तेजी है तो उसको तेजी भी नहीं बोलेंगे। तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेन रेवेन्यू तो कंपनी का यहीं से जनरेट हो रहा है। पिछले क्वार्टर में 6,712 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 5,851 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू इंटरेस्ट इनकम बढ़ के 6,751 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वहाँ पर भी देखें तो कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है वो आपको क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 5,282 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 5,318 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 5,349 करोड़ के आसपास है। तो ये एक बड़ा सरप्राइज़ यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी के जो खर्चे हैं वो बहुत कम आपको देखने को मिले। जी हाँ, अगर आप देखेंगे, मैंने आपको क्या बताया, साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू जो है वो ऑलमोस्ट 16% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन जब खर्चे के अंदर जाते हैं तो कंपनी के खर्चे बढ़े ही नहीं है। जी हाँ, कंपनी के खर्चे 0.5% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल दर साल। ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ ये आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 1192 करोड़ के आसपास, पिछले साल 460 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1166 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक भयंकर तेजी आपको देखने को मिला, मतलब 2.5 गुना कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी आपको गिरावट आपको देखने को मिली। वहाँ पर देखें तो अप्रोक्सीमेटली 3% के आसपास की, 2 से 3% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। चलिए कंपनी के, जबकि मैं आपको बता दूं कंपनी ने प्रॉफिट कितना शो किया है 1164 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का एस्टीमेट था कंपनी के प्रॉफिट को लेके 1132 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कुछ सरप्राइज़ नहीं है, साल दर साल आपको इतना जो बढ़ता हुआ देखने को मिला ये कोई बड़ा सरप्राइज़ नहीं है। मार्केट को उम्मीद भी थी इस क्वार्टर में कि कंपनी का प्रॉफिट 1132 करोड़ के आसपास आएगा, वही आपको देखने को भी मिल रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। EPS की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 21.67 रुपये के आसपास, पिछले साल 8.40 रुपये, अभी देखें तो 21.21 रुपये के आसपास आपको देखने को मिले। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी के नंबर बहुत शानदार आपको देखने को मिले। रेवेन्यू वाइज देखें तो साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला है, और कंपनी की प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल 2.5 गुना आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। और मार्केट एस्टीमेट की बात करें तो मार्केट एस्टीमेट से भी कंपनी के नंबर जो है आपको बेहतर देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।